नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। तो अब वक्त है आज के शब्दबान का। दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े ईडी के केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि फिलहाल केजरीवाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि उनके ऊपर सीबीआई का केस भी चल रहा है। अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कुछ सवाल हैं जिनको एक बड़ी बेंच को देखने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी ने सर्वोच्च अदालत के फैसले को अपनी बड़ी जीत बताने की कोई देर नहीं की। एक के बाद एक आप नेता आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि यह फैसला ईडी के लिए बड़ा झटका है। बड़े तौर पे तो बेल तो पीएमएलए में मिलनी मुश्किल होती है। सीबीआई का जो मुकदमा है पीसी एक्ट में है, उसमें सीआरपीसी के नियम होते हैं, उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो सीबीआई के ऊपर रहेगा। तो उसके अंदर मुझे लगता है कि बहुत आसानी से बेल मिल जाएगी और जल्द अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि सेक्शन 19 के अंदर जिसमें जो बेल, माफ़ कीजिएगा, जिसमें जो अरेस्ट की पावर है, ये एक सब्जेक्टिव पावर है। ईडी के अधिकारी की ओपिनियन के ऊपर आप किसी को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? जब बेल का थ्रेशहोल्ड सेक्शन 45 में बहुत हाई है, कठिन है, ऐसे में अरेस्ट का थ्रेशहोल्ड भी हाई होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी 90 दिन से ज़्यादा जेल में रह चुके हैं, बिना बात सफ़र कर रहे हैं। तीसरी बात कही कि वो मुख्यमंत्री रहें या ना रहें इसके ऊपर कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, ये फैसला मुख्यमंत्री का अपना फैसला है। सौरभ भारद्वाज को जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट में वकील और दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने। बांसुरी स्वराज ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लेना चाहिए क्योंकि अदालत ने साफ साफ कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत थे और वो शराब घोटाले के दोषी हैं। आज जो ऑर्डर आया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जीत नहीं है, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में दोषी हैं और ईडी के पास इसके लिए सफिशिएंट मटेरियल यानी प्रूफ, सारे के सारे तथ्य हैं। आज सील ऑफ अप्रूवल लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। उनकी पटिशन थी बेल के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए कि ये बात प्रूव करी जाए या कोर्ट इस बात को एडजुडिकेट करे कि उनकी अरेस्ट इलीगल है, उनकी अरेस्ट अवैध है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनकी इस प्रेयर पर उनको कोई राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पर सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गलत एनालिसिस कर रही है। पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने कहा कि ये पूरा मामला सियासी है, ये केस पॉलिटिकल है। संदीप पाठक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फिर साबित हो गया कि बीजेपी विच हंटिंग कर रही है, लेकिन देर सवेर केजरीवाल जेल से रिहा होंगे। सवाल राहत और रिहाई का नहीं है, ये एक पॉलिटिकल केस था। हम पहले दिन से कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी जानबूझकर एक षड्यंत्र बनाकर केजरीवाल जी को जेल में रखे। आप देखेंगे कि पहले पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में अगर आप ऑर्डर को पढ़ेंगे उसमें साफ लिखा हुआ है कोर्ट के ऑर्डर में कि भाई कोई एक रुपए एक चवन्नी की कोई रिकवरी नहीं हुई, कोई केस नहीं बनता है, कोई एविडेंस नहीं है, केजरीवाल का जी का कोई लेना देना नहीं है, पार्टी का लेना देना नहीं है उसमें। बल्कि ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ईडी एक गलत मैलाफाइड इंटेंट के साथ काम कर रही है, इसके ऊपर कुछ बचता नहीं है, उसको भी छोड़ दो। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरिम बेल दे दिया और प्रश्न क्या था सुप्रीम कोर्ट के सामने? सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न ये था कि क्या ये पूरी की पूरी गिरफ्तारी गलत है, क्या पूरी गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको गिरफ्तारी सही है नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उसको लार्जर बेंच में दे रहे हैं क्योंकि ऐसे केसेस दिशा निर्धारित करते हैं पूरी देश की न्याय व्यवस्था के लिए। तो केजरीवाल जी जो भी करते हैं एक ट्रेंड सेट करते हैं, इसमें भी न्याय व्यवस्था को ही इवॉल्व ही होगा आगे चलकर, और आने वाले समय में कोई भी तानाशाह अगर ऐसा करने का सोचे तो 10 बारी वो ऐसे न्यायालय के ये जो जजमेंट्स है ऑर्डर है उसको देख के सोच करके 100 बार सोच के वो करेगा।
वहीं दिल्ली में बीजेपी के प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा ने भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को बेल ऑर्डर को पढ़ने की सीख दी है। सचदेवा ने कहा कि अगर केजरीवाल में जरा भी नैतिकता हो तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें। सुबह से आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं जो अंतरिम जमानत के आदेश की बात कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि इस बार इस ऑर्डर को पढ़ें, जरा ध्यान से पढ़ें, जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा है कि आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते और मुख्यमंत्री के रूप का कोई भी दायित्व आप नहीं निभा सकते। तो मेरा अरविंद केजरीवाल से सिर्फ एक सवाल है कि अगर आप में नैतिकता नाम की कोई चीज़ है, अगर ज़मीर जिंदा है, तो आप स्वयं सोचें कि आपको मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है अरविंद केजरीवाल में तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।